नमस्कार मित्रों, ड्रामाटिक की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, विशेषकर श्री रंजीत सिंह जी का और भारतीय कॉन्सुलेट का आज हमें अवसर प्रदान करने के लिए। हम यहाँ शिकागो में रहते हैं और हमारे बच्चों के मन में एक ही सवाल उठता है, गांधी जी सचमुच कैसे थे और क्या उनके विचार हमारे जीवन के लिए आज भी लाभप्रद हैं। तो आइए देखते हैं एक लघु नाटिका, क्या गांधी जी ऐसे थे। तुम्हें पता है, मैं अपने कजिन से इंडिया में बात कर रहा था। आज उनकी छुट्टी है। ओह, मतलब लॉन्ग वीकेंड है। पर 2 अक्टूबर को उनकी छुट्टी क्यों होती है? पता नहीं, चलो दादाजी से पूछते हैं। दादाजी, ये इंडिया में 2 अक्टूबर की छुट्टी क्यों होती है? बेटा एक मिनट, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है, इसलिए आज के दिन उसे गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ओ, गांधी जी जिनका फोटो इंडिया की नोट पर होता है, वो तो बहुत फेमस है, जॉर्ज वॉशिंगटन की तरह। क्या आप गांधी जी को जानते थे? आपने उनको देखा था? हाँ, एक बार मैंने गांधी जी को देखा था, तब मैं बहुत छोटा था, शायद 6th grade में था। तब गांधी जी हमारे शहर में आए थे, तब मैंने उन्हें देखा था। वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे ना, स्पाइडरमैन की तरह या बैटमैन की तरह? नहीं बेटा, वो तो हम लोगों की तरह एक आम आदमी थे, नॉर्मल हाइट, सादे कपड़े पहनते थे और सादगी से रहते थे। तो उनके पास सुपर पावर होती थी जिससे उन्होंने इंग्लैंड को हराया और इंडिया को फ्रीडम दिलाई थी? नहीं बेटा, उनकी सुपर पावर तो सिर्फ सच्चाई और अहिंसा थे, और उसी के जोर पर उन्होंने भारत के लोगों को प्रेरित किया था आजादी के सत्याग्रह और आंदोलन के लिए। तो वो तो स्कूल में बहुत स्मार्ट होंगे और उनके बहुत अच्छे मार्क्स मिलते होंगे। नहीं बेटा, स्कूल में तो वो बहुत शाय थे, उनको मैथ्स और ज्योग्राफी ये दो विषयों से बड़ा डर लगता था, और कभी कभी तो उन्हें डांट भी पड़ती थी उनके बैड हैंडराइटिंग के ऊपर। लेकिन हाँ, उनके इंग्लिश और गुजराती ये दो बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। तो फिर वो इतने बड़े लीडर कैसे बन गए दादाजी? अपनी मेहनत और हार्ड वर्क से। उन्होंने स्कूल में कभी चीटिंग नहीं की और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले थे। तो उन्होंने इंग्लैंड को कैसे हराया? हराया नहीं बेटा, बल्कि उन्होंने भारत के लोगों को बताया कि किस तरह वो सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन से अंग्रेजों को ये समझा सके कि उनकी गुलामी गलत है, और इस तरह से भारत को आजादी दिलाने में गांधी जी ने मदद की थी। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के यहाँ यूएस में मार्टिन लूथर किंग ने इसी तरह से प्रोटेस्ट किया था। आप जानते हैं मार्टिन लूथर किंग को? तो बहुत बोरिंग और सीरियस होंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं था। गांधी जी को हंसी मजाक भी बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन हाँ, वो डिसिप्लिन के बहुत पक्के थे और हर काम मन लगाकर किया करते थे। अच्छा, उनके बारे में कोई फनी स्टोरी सुनाइए ना। एक बार क्या हुआ था कि गांधी जी इंग्लैंड में गए थे और किंग जॉर्ज 5th से मिलने बकिंगम पैलेस जा रहे थे। हमेशा की तरह सादी धोती पहन कर जा रहे थे, तो रिपोर्टर से उनसे रास्ते में पूछा कि डू यू थिंक यू आर प्रॉपरली ड्रेस्ड टू मीट द किंग? तो उन्होंने क्या कहा पता है? वो बोले, डोंट वरी अबाउट माय क्लोथ्स,
द किंग हैज इनफ क्लोथ्स फॉर बोथ ऑफ अस. वो हमेशा वही करते थे जो उन्हें सही लगता था, बिना किसी पीयर प्रेशर की परवाह किए. तो क्या इंग्लैंड में लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था? नहीं, ज्यादातर लोगों ने उनका बड़ा सम्मान किया था. और मालूम है उनसे मिलने कौन आया था? बताइए दादाजी. चार्ली चैपलिन. वो गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे. तो क्या उन्होंने फिल्मों में भी काम किया था? नहीं, गांधी जी ने फिल्मों में तो नहीं काम किया था, लेकिन उनकी लाइफ पर बहुत सी फिल्में बनी है. जैसे लगे रहो मुन्ना भाई, हमने देखा था, वो उसमें थे. हाँ, उसमें क्या था कि गांधी जी का रोल तो किसी और एक्टर ने किया था, मगर उस फिल्म में एक इंसिडेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा गांधी जी के साथ हुआ था. कौन सा इंसिडेंट, सुनाइए ना दादाजी. हाँ बेटा, क्या हुआ कि एक बार गांधी जी ट्रेन में सफर कर रहे थे. वे हमेशा गरीबों के साथ थर्ड क्लास में ही सफर किया करते थे. थर्ड क्लास में क्यों? वे सबसे गरीब लोगों के साथ रहना चाहते थे. एक बार किसी ने गांधी जी से पूछा कि आप थर्ड क्लास में क्यों सफर करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा पता है? गांधी जी बोले, बिकॉज देयर इज नो फोर्थ क्लास इन द ट्रेन. तो फिर क्या हुआ दादाजी? तो गांधी जी ट्रेन में सफर कर रहे थे और उनके सामने बैठा एक इंसान बार बार फ्लोर पर थूक रहा था. तो क्या गांधी जी ने उसे डांटा? नहीं, गांधी जी ने उस व्यक्ति से तो कुछ नहीं कहा. बस गांधी जी हर बार उठते और सफाई कर देते थे. फिर क्या हुआ दादाजी? चार पांच बार ऐसा करने के बाद उस आदमी को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने गांधी जी से माफी मांगी और गांधी जी से कहा कि अब मैं आगे कभी ऐसी गंदगी का काम नहीं करूंगा. तो उनमें लड़ाई नहीं हुई? नहीं, बापू कहा करते थे कि नफरत करो गलती से, गलती करने वाले से नहीं. तो प्यार से समझाते थे सबको? हाँ बेटा, ऐसे ही प्यार से और समझदारी से. वो चाहते थे कि हम सब साथ मिलकर साथ रहे, बिना किसी भेदभाव के, और सबको आगे बढ़ने का मौका मिले. हाँ, वो तो यहाँ यूएस में भी बहुत जरूरी है. आज गांधी जी के जन्मदिन पर हम सबको ये प्रॉमिस करना चाहिए कि हम सब साथ मिलकर मिलजुल कर रहेंगे और हमेशा गांधी जी के बताए रास्ते पर ही चलेंगे. हाँ दादाजी, हम सब साथ रहेंगे और सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे. बहुत अच्छे. नमस्कार मित्रों, ड्रामेटिक ऑफ अमेरिका की ओर से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. कॉन्सुलेट का धन्यवाद हमें अवसर प्रदान करने के लिए. आइए मैं आपको अपने पात्रों से परिचय करवा दूं. हमारे नाटक के दादाजी थे श्री अरुण करकरे. बच्चों में थे श्री अतीश राय, रिनी बंसल, साहा कोठारी और आरुषि जैन. हमारे तकनीकी एडिटर और सपोर्ट थे श्री प्रणील वैद्य और लेखन और निर्देशन का काम किया था मैंने, अनुराग मिश्रा राज. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से और गांधी जयंती की शुभकामनाएं.